फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पुष्पांजलि नर्सरी अशोक। ये वीडियो हम लेके आए हैं, जैसे कि सबको पता है कि गर्मी आ चुकी है, और गर्मी में फर्स्ट जब भी हम लोग के माइंड में आता है कुछ, वो है आम, मैंगोज। सो मैंगो सबका फेवरेट है। आज हम ऐसे दो वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे आम के ऊपर, मैंगो वैरायटीज़ बहुत ही फेमस है, एक जापानीज है और एक थाईलैंड का है। तो दोनों के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे, और ये भी जान लीजिए कि उनमें से ये दोनों में एक ऐसा आम है जो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ समर के लिए ही वेट करना पड़ेगा कि आम खाने के लिए। ये दोनों में एक वैरायटी ऐसा है कि आपको 3 times आपको रिजल्ट फ्रूट्स भी देगा, तो आप थ्रू आउट द ईयर आप मैंगोज खा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट मैं आपको जापनीज आम के बारे में बताऊंगी, उसके बाद थाईलैंड वैरायटी के बारे में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वैरायटी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एग ऑफ सन। आई गेस अभी तक मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल को पता चल गया होगा कि ये मियाज़ाकी एग ऑफ सन है क्या। जो फ्रूट प्लांट्स में इंटरेस्टेड है उनको पता है ये वैरायटी के बारे में, एग ऑफ सन। ये 2 या 3 years पहले बहुत ही फेमस हुआ था, क्योंकि कहीं मध्य प्रदेश में किसी ने ये प्लांट लगाया था, और अराउंड 1 kilo, इस आम के 1 kilo का प्राइस 1 lakh के ऊपर था, ऐसा कुछ वीडियो वायरल हुआ था। तो चलिए उसी वैरायटी के बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले हम आपको उस ट्री को, उस मैंगो प्लांट को हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पास जो है ये प्लांट अराउंड 3 years पुराना है, और आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर से ये प्लांट ने अभी फ्रूट्स आना स्टार्ट कर दिया है। 3 years पुराना। नॉर्मली मियाज़ाकी या एग ऑफ सन अगर आप लगाते हैं तो लगाने के 1.5 या 2 साल के अंदर ही आपको ये फ्रूट्स देना स्टार्ट कर देगा, पर हाँ, मेंटेनेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप एक फोकस में देखिए, हर एक ब्रांच में आपको ये फ्रूट्स दिखेंगे। ओ देखिए, इसका कलर ही अलग है, रेड रूबी कलर में मियाज़ाकी प्लांट। मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी। एक्चुअली इसका नाम है एग ऑफ सन, बट बहुत जन इसको मियाज़ाकी भी बोलते हैं, पर एक्चुअली है नहीं। मियाज़ाकी जापान में एक प्लेस है जहाँ पे एग ऑफ सन को ग्रो किया जाता है, मतलब उस एरिया में वो फर्स्ट ग्रो होना स्टार्ट हुआ था। इसका पता है इतना प्राइस क्यों है? एक्चुअली ये वैरायटी के ऊपर वहाँ के जो फार्मर्स है बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, हर एक को एक नेट से बांध देना ताकि उस पर पूरा सनलाइट या फिर बारिश हो तो उस पर पूरा फोकस है, ईच एंड एवरी फ्रूट के ऊपर वो सनलाइट अच्छे से गिरे। और इसके अंदर भी जो सीड है और जो हम लोग बोलते हैं चिबरा, तो जो फाइबर रहते ये उसमें बहुत ही कम है। तो इसका मेन जो एक्सपेंसिव इसको इसीलिए बनाता है इसका कलर और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। मियाज़ाकी या फिर जो एग ऑफ सन है, इसको जापनीज में टायोनो तमागो बोला जाता है, जिसका मतलब एग ऑफ सन, और ये ड्रैगन्स एग भी बोला जाता है, क्योंकि ड्रैगन का जो एग है वो रेडिश इन कलर होता है। ये भी जब फुल्ली राइप होंगे उसका जो कलर होगा वो रेडिश येलोइश कलर में, पूरा ब्राइट रेड कलर में ये टर्न होगा, और एक पर्पलिश कलर का आउटलाइन रहेगा। एग ऑफ सन एक टाइप के इरविन मैंगो के टाइप है। इरविन मैंगोज क्या होता है? इरविन टाइप यही है कि इसका जो टेक्सचर होगा ये ब्राइट रेडिश येलो कलर में होंगे, जूसी होगा इसका जो टेस्ट होगा, जूसी स्वीटनेस होगा, और बहुत ही कम फाइबर होगा इस प्लांट ये फ्रूट में। जो हम लोग बहुत आम खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है, इसमें ये बहुत ही कम है। तो इस टाइप के मैंगो प्लांट, मैंगो वैरायटी को इरविन वैरायटी बोला जाता है।
और नॉर्मली इसके अलावा जैसे बहुत सारे वैरायटी है मैंगो के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब फाइबर्स होते हैं, उतना मीठा नहीं होता, उसको हम लोग पेलिकन मैंगोस टाइप्स बोलते हैं। तो ये एगोसन हमारा इरविन टाइप के अंदर आता है। अभी तक हमने जो बात किया है वो है एगोसन के बारे में, बट अभी हम दूसरे वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे जो है थाईलैंड का एक वैरायटी। अगर आप मेरा इंटरव्यू देखे हैं मिस्टर बर्ड जो कि थाईलैंड से आए थे, उसमें मैंने वो डिस्कस किया था, वो बताया था कि थाईलैंड में बहुत ज़्यादा अभी फ्रूट नए नए फ्रूट वैरायटीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज़ को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है। तो उनमें से ये एक वैरायटी है मैंगो वैरायटी जो हमें थाईलैंड से मिलता है, इसका नाम है थाई काटिमोन मैंगो। तो जैसे कि थाई काटिमोन, ये एक्चुअल साइज हम अभी नहीं दिखा पा रहे, अगर फोटोज़ होगा तो मैं आपको यहीं पे लेफ्ट साइड में मैं आपको बता दूंगी कैसा दिखता है। पर ये नॉर्मली हर एक फ्रूट जो है वो अराउंड 250 to 300 ग्राम्स के अंदर आता है, साइज़ भी बहुत अच्छा होता है। इसका जो खासियत है जो मैं इसके बारे में बात करूंगी, ये आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि आपको तीन बार आपको खाने को मिलेगा फुल ईयर में। नॉर्मली हम समर के लिए सिर्फ वेट करते कि हमें मैंगो कब मिलेगा, मैंगो खाने को मिलेगा, पर ये थाई काटिमोन ऐसा है कि पूरे साल में आपको 3 times आपको फ्रूट्स देगा। और इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, और नॉर्मली जो आम्रपाली ये सब है इससे भी अच्छा ये टेस्ट है। और इसके अंदर जो ये नॉर्मली इतना बड़ा साइज तो होता ही है 250-300 ग्राम्स के अंदर, पर उसका जो सीड है वो बहुत छोटा होता है। ये जो अभी फ्रूट्स आ रहे हैं आपको, ये जून जुलाई के अंदर ये पकना स्टार्ट हो जाएगा, तो जून जुलाई के अंदर आप एक बार ले सकते हैं ये फ्रूट्स। नेक्स्ट स्टेप में अराउंड मिड सितंबर या अक्टूबर के अराउंड ये आएगा फिर से नेक्स्ट स्टेप, और फिर फरवरी मार्च के अंदर और एक बार इसका फलन होगा। तो ये प्लांट, इसका सबसे अच्छा खासियत यही है कि बहुत जन हमारे कस्टमर्स हमें आके बोलते हैं कि बारह मासी मतलब थ्रू आउट द ईयर 12 महीना में अगर ऐसा कुछ प्लांट है जो हमें आम दे वैसा प्लांट दीजिए। तो दो वैरायटीज़ है, एक थाई बारह मासी और एक है थाई काटिमोन। तो हम अपने कस्टमर्स को यही सजेशन देते कि आप ये लीजिए थाई काटिमोन, क्योंकि ये आपको पूरे साल में 3 आपको फ्रूट्स देंगे, और सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं ये खाने में भी बहुत अच्छा है। और जो फार्मर्स है और कोई अगर बिजनेस करने का भी सोच रहे हैं प्लांट्स बिजनेस के ऊपर, तो आप ये थाई काटिमोन यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका अगर आप प्रोडक्शन करके मदर प्लांट्स लगा कर अगर ये सेल आउट करते, ये आपको फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि पूरे साल में 3 आम आपको दे रहा है, तो ऑफ सीजन में भी अगर आम आप मार्केट में बेच सकते तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये अगर आप बिजनेस आइडिया में भी लगाना चाहते हैं तो ये एक आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि थाई काटिमोन को अगर आप प्रोडक्शन करके आप सेल आउट करते हैं मार्केट में तो आपको प्रॉफिट देगा। अभी तो ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो ये जब फुल्ली ग्रोन हो जाएंगे, पकना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको फिर से ये एक वीडियो करके दिखाऊंगी कि ये प्लांट में फ्रूट्स कितने बड़े आते हैं और कितने नंबर्स में आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गई कि नॉर्मली सब प्लांट्स में मैंगोज येलोइश नहीं होने तक वो ज़्यादा मीठा नहीं रहता है, पर थाई काटिमोन का ये एक मतलब खासियत है कि अगर वो आप बिना पके हुए भी उसको तोड़ लेते हैं वो उतना ही मीठा रहता है जितना, मतलब ग्रीन में भी उतना ही मीठा रहता है जितना वो पकने के बाद होता है। ये वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। आज हमने जैसे एगोसन और थाई काटिमोन के बारे में बात किया है, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको कुछ नए वेराइटीज़ के बारे में बताऊंगी। अभी एट प्रेजेंट अराउंड 40 to 50 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज हमारे पास है, तो अगर आप लोग को आप इंटरेस्टेड है कि आपको परचेस करना है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।